जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज संडे, आज दो बड़ी खुशखबरी। हाँ जी दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से, सबसे पहले पेंशन क्रेडिट का मैसेज और मेल आ गया, बड़ी राहत की बात। आखिर जल्दी क्यों हो रहा है क्रेडिट। और दोस्तों बात करते हैं DADR बढ़ोतरी की, खबरों की हलचल हर एक अखबार की हेडलाइंस बनी है। और वादा किया है 100%, कितने परसेंट बढ़ेगा इसका वादा किया है। और भारतीय सेना में अहम बदलाव की एक झलक, बदला इतिहास और जबरदस्त वीडियो आपके सामने। कंप्राइजेस ऑफ वुमेन सोल्जर्स फ्रॉम द कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ऑफ आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी, राइट। इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन अ वुमेन ऑफिसर इज लीडिंग द बॉम्बे सैपर्स कंटिजेंट and this is going to be the mark of in the history of the tri-services contingent. It's a pride moment for us because this is the first time in the history that the tri-services contingent would be marching. We are very proud that we have got to interact with the army, navy and the air force. All three are coming together and we are making a contingent here. खबर करते हुए साथ से, सबसे पहले मैं आपके सामने पेंशन क्रेडिट, जैसे जितने स्पर्श में जो लोग माइग्रेट हो चुके हैं, कल थी 20 तारीख, मेरा मेल और मेरा SMS कल आ चुका है और कई लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि साहब इतनी जल्दी। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो यदि स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं और आपने अच्छे तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है तो ये मैसेज आपके झोली में आया। और मैसेज में सीधा सीधा लिखा है, डियर सो एंड सो, नेम आपका, PPO नंबर, योर बैंक अकाउंट नंबर एंड बीइंग क्रेडिटेड विद अमाउंट ऑफ सो एंड सो टूवर्ड्स मंथली पेंशन पे, कितना कितना आपका बेसिक पेंशन है, कितना आपका DR है, टोटल आपके खाते में कितना आएगा, आपकी रिकवरी कितना कटती है। और लिखा है कि इसके साथ पेंशन स्लिप आपको कल तक डाउनलोड कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और लिखा है कि पेंशन स्लिप आल्सो भी अवेलेबल ऑन पोर्टल आफ्टर 24 आवर्स एंड दैट क्या काम करना है, आपने अपने एंटाइटलमेंट को वेरीफाई करना एज पर पेंशन स्लिप। ये जबरदस्त आपके लिए कर रहा था, यानी इस महीने का काम हो गया। अब बात करते हैं DADR की। हाँ जी दोस्तों, मैं आपके सामने बहुत सारे न्यूज़पेपर पेपर बहुत सारी आपके साथ खबरें चला रहा हूं। 7th पे कमीशन, 10 दिन बाद बड़ी खुशखबरी, India.com, IBC 24, 10 दिन बाद सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पहली गुड न्यूज, 51% पहुंचेगा DA, जाने लेटेस्ट क्या है अपडेट, 50% कंफर्म, MP ब्रेकिंग न्यूज, DA के नियमों में होंगे बदलाव और केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा जबरदस्त फायदा। और उन्होंने कहा है चुनाव से पहले घोषणा, होली से पहले तोहफा, मतलब इस तरीके की खबरें। जैसे इन खबरों के अंदर चलते तो सीधा सीधा लिखा है, उन्होंने कहा है कि जैसा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई और जो कि यानी आप समझ सकते हो कि 4 दिन बाद या 31 जनवरी तक दिसंबर के भी आंकड़े आपको प्रकाशित हो जाएंगे और जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपका DA कितना बढ़ रहा है। जैसे कि कयास लगा जा रहा है, अभी तक यदि कोई भी बढ़ोतरी, कोई भी उछाल या CPN के आंकड़ों में नहीं होता है तो 50% हमारा पक्का है। अब बात यह अखबार कह रहा है कि 51% जरूर मिलेगा, जैसे ही आंकड़े 31 जनवरी को होंगे तो 51%, यानी आपको सीधा सीधा 5% का फायदा होगा। और जिससे उन्होंने कहा है कि DA के नियमों में बदलाव, 7th पे CPC में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज हुई थी क्योंकि केंद्र सरकार ने DA को रिवाइज के नियमों के ये तय किए थे कि जैसे ही आपका DADR 50% हो जाता है तो उसको बेसिक आपकी पे में मर्ज किया जाएगा, यानी बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा और DA आपका शून्य हो जाएगा। यानी ये तमाम खबरों से आज अखबार भरा है, आप एक एक खबर को पढ़ सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपने वीडियो देखी है और ये हैं आपकी कैप्टन राव हैं और इन्होंने क्या कहा है, कैप्टन सरेंद्र राव। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि गणतंत्र दिवस परेड है और 75वां गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल चल रही है और वहां पर इस बार ट्राई सर्विस कंटिजेंट एक बनाया गया है और इसमें दो बातें इस बार रखी गई हैं महत्वपूर्ण। एक तो होगा मेड इन इंडिया, जितना भी इक्विपमेंट है वहां आपको दिखाया जाएगा डेमोस्ट्रेशन में, वो मेड इन इंडिया होगा, हमारा स्वदेशी निर्मित होगा। और दूसरी बात, हमारी महिलाओं पर फोकस किया गया है और जैसा कि आप देख सकते हो एयरफोर्स की महिला है जिसमें स्क्वाड्रन कमांडर आप रश्मि ठाकुर का वीडियो सुनिए, कितने जोश और गौरव के साथ बात करेंगे। और आर्मी का जो कंटिजेंट है उसका नेतृत्व कर रही है कैप्टन सरेंद्र राव, आप उनकी बात करिए, उन्होंने क्या कहा है। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने साहब ने बताया कि इस बार महिलाओं को केंद्र में रख करके ये पूरा प्रोग्राम है, महिला फाइटर पायलट होंगी, महिला अग्निवीर होंगी, CRPF में महिला
कंटिजेंट होंगे, यानी नारी शक्ति आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर आपको इसकी झलक देखेगी। और हमारे वहां के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएलो मैक्रो, जो मुख्य अतिथि होंगे दोस्तों, और उनका भी फ्रांस का भी कंटिजेंट इसमें भाग लेगा। जैसा कि गणतंत्र दिवस परेड को लेकर सनाना राव ने कहा है, क्योंकि ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि परेड में पहली बार महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी का कर्तव्य पथ पर मार्च करती हुई दिखाई देंगी, और 75वें गणतंत्र दिवस एक इतिहास बदलेगा और एक गौरवमयी क्षण होगा दोस्तों। तो ये थी आज की मुख्य मुख्य खबरें, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। डे परेड दैट ऑल वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट विल बी मार्चिंग ऑन कर्तव्य पथ, व्हिच इज क्लियरली शोकेसिंग द सीमलेस इंटीग्रेशन बिटवीन द सर्विसेज ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। द कंटिजेंट कंप्राइजेस ऑफ वुमेन सोल्जर्स फ्रॉम the core of military police of army, air force and navy, and witnessing the women soldiers from all three services coming together as one contingent and marching on the Kartavya path, so it the experience is remarkable, it is very unique, the feeling that is that exists is unmatched, and this is the truest essence of Nari. Commissioned on 8 September 2018 from Officers Training Academy, Chennai, and I've got commissioned into the Corps of Engineers, and I've become a proud Bombay sapper. Yes. Absolutely right. It is the first time when a women officer is leading the Bombay Sappers contingent, and this is going to be the mark of in the history that a women officer has led such contingent, and it is a great feeling, sense of pride, and I'm really happy and that the opportunity has been given to us. So we are going to be the best and march with the troops and take the trophy and go back home. So I'm from the Indian Army, and we are taking part in the tri-services contingent this time. I'm the supernumerary officer who's taking part as a leading the army component of the tri-services contingent. It's a pride moment for us because this is the first time in the history that the tri-services contingent would be marching. We are very proud that we have got to interact with the army, navy and the air force. All three are coming together and we are making a contingent here. So बहुत ही खुशी की बात है। दिस ईयर एज यू नो दैट द मोटो इज नारी शक्ति, सो हियर वेरियस वुमेन कंटिजेंट्स आर टेकिंग पार्ट, सो वी कैन सी अ वाइड वैरायटी ऑफ कंटिजेंट्स विच आर टेकिंग पार्ट, बी द बैंड, बी द ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट, बी द एमएनएस कंटिजेंट विच इज ऑल्सो मार्चिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बी द नेवी, एयरफोर्स, सो ऑल द कंटिजेंट्स हैव द वुमेन ऑफिसर्स इन इट commanding, so it's very proud for our fraternity that we are getting this chance, and as you can see here all are very excited and very motivated to do this parade on the Kartavya Day parade that all women marching contingent will be marching on Kartavya path, which is clearly showcasing the seamless integration between the services of the Indian Armed Forces. The contingent comprises of women soldiers from the core of military police of army, air force and navy, and witnessing the women soldiers from all three services coming together as one contingent and marching on the Kartavya path, so it the experience is remarkable, it is very unique, the feeling that is that exists is unmatched, and this is the truest essence of Nari. Commissioned